नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइट्स की टीम के साथ इस समय लद्दाख में हूं और फेस टू फेस के इस अंक में हमारे साथ इस समय जुड़े हैं लद्दाख के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सतीश खंडारे साहब, और हम इनसे ये जानेंगे कि यूटी बनने के बाद यहाँ आईजी पोस्ट जो है वो पुलिस की एचओडी पोस्ट है, तो किस तरीके के यहाँ इन्होंने प्लस पॉइंट्स किए, किस तरीके से पुलिस अपने आप को यूटी के अंदर और बेहतर कर पाई, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन कर पाई, पब्लिक फ्रेंडली कैसे हो पाई, इन सब चीजों पे आज इनसे चर्चा करेंगे। जी सतीश जी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जब से यूटी बनी है तो इस बार यूटी की बनी हुई दूसरी विंटर्स आने वाली है, तो पहले जब आप आए थे तो विंटर्स स्टार्ट हो चुकी थी, तो क्या अपने जवानों को इस विंटर्स में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और भी जो इंटरनल सिक्योरिटीज है उनको मेंटेन करने के लिए क्या पूरा सामान सिक्योरिटी के सब पुख्ता इंतजाम, सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स सब प्रॉपर तरीके से दिए जा चुके हैं या आगे क्या दिए जाएंगे? जैसा कि आप जानते हैं 31 अक्टूबर लास्ट ईयर यूटी लद्दाख का निर्माण हुआ है। लद्दाख में विंटर जो होता है वो काफ़ी हार्श होता है और विंटर में यहाँ पे कुछ जो काम हैं वो सही ढंग से हो नहीं सकते हैं। उसके बाद जब विंटर खत्म हुआ तो हमारे सामने कोविड की एक बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो गई। जी बिल्कुल, आज थी जिसके कारण भी बहुत से कार्य करने में सभी लोगों को यहाँ पे दुविधा हुई, कठिनाई का सामना करना पड़ा। पर इंस्पाइट ऑफ दैट मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यूटी में पिछले एक साल में हमने पुलिस हेडक्वार्टर का यहाँ पे गठन किया है। पुलिस हेडक्वार्टर में डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए हैं और पुलिस हेडक्वार्टर का काम जो है वो सुचारू ढंग से शुरू हो गया। दूसरा, लद्दाख पुलिस में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशेंसी बहुत हाई है जी, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशेंसी को जो गैप है उसको कम करने की कोशिश हमारे तरफ से की जा रही है, जिसमें चाहे जवानों को रहने की जगह हो, चाहे जवानों को बाथरूम की सुविधा हो, या हमारे जवानों को जो हीटिंग अरेंजमेंट है उसकी सुविधा है, उसकी पूरी अरेंजमेंट हमने पिछले एक साल में की है और आने वाले विंटर में हमारे जवान इसका फायदा उठा पाएंगे। जैसे सतीश जी, एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसा आप जानते हैं कि लद्दाख में हार्श विंटर होता है, हाई अल्टीट्यूड है, तो ऑनरेबल एलजी वाज काइंड इनफ टू सैंक्शन अस थ्रू एमएचए द स्पेशल प्रोविजनिंग फ्रॉम विंटर क्लोथिंग, तो इस साल से हम अपने जवानों को स्पेशल विंटर क्लोथिंग भी प्रोवाइड कर पाएंगे। जी सतीश जी, मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ एक अहम प्रश्न है मेरा कि जैसे आप भी जानते हैं कि यहाँ हाई अल्टीट्यूड रहता है और सर्दी जो है बड़ी कड़ाके की पड़ती है, तो क्या जैसे कि पहले ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और अब जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गई, लद्दाख एक यूटी बन गई, तो लद्दाख के जो पुलिस का टोपोग्राफी है वो बिल्कुल डिफरेंट है जम्मू से और कश्मीर से। यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उनको एसेंशियल्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे खाने की चीज़ें मुहैया करवाना, जैसे गर्म कपड़े मुहैया करवाना, हीटिंग सिस्टम मुहैया करवाना, क्या उसके लिए प्रॉपर प्रावधान हो चुका है अभी तक? मुझे ये बताने में बेहद खुशी है कि यूटी लद्दाख बनने के बाद लद्दाख पुलिस के पास काफ़ी मात्रा में रिसोर्सेज उपलब्ध हुए हैं और इन रिसोर्स को यूज करते हुए हमने इस साल अपने जवानों का विंटर कंफर्टेबल करने का पूरा प्लान हमने बनाया है जी। कि जैसे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी वहां पे हम जनरेटर हमारे जवानों को देंगे, हम सोलर पैनल्स वहां पे लगाने जा रहे हैं, केरोसिन बुखारी जहां पे जवान बैरक्स में रहते हैं वहां पे लगाई जाएगी। जैसा मैंने पहले ही कहा है, स्पेशल विंटर क्लोथिंग जो है वो हमारे जवान को दी जाएंगी। कम्युनिकेशन के साधन जो है वो कम्युनिकेशन के साधन अपग्रेड करने का हमारा प्रयास है और हमें उम्मीद है कि विंटर के पहले हम अपने कम्युनिकेशन के साधन भी अपग्रेड करेंगे, तो ये सब तैयारी हम
इन दिनों में कर रहे हैं। जी सतीश जी, आपने एक और साथ में बात जोड़ी कि जैसे ही यूटी बनी, यूटी के कुछ देर समय बाद ही, कुछ दो तीन महीनों बाद ही कोविड आ गया, तो कोविड में दो ही लोग, एक डॉक्टर्स और एक पुलिसकर्मी जो मेन वॉरियर्स थे, तो वो लोग इसमें मेन इफेक्ट भी, क्योंकि उनको फ्रंट में आके इन सबको करना पड़ा। तो पुलिस जो है वो आप उसके HOD हैं, तो किस तरीके की सुविधाएं उन लोगों को भी मुहैया करवाई गई? जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख में कोविड डिटेक्शन जो है वो काफी पहले हो चुका था, मतलब 7 मार्च को हमने फर्स्ट कंटेनमेंट जोन यहां पे डिक्लेयर किया था। ओके, तो हमने टाइमली यहां पे जो कदम एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पे उठाया है उसके कारण कोविड का स्प्रेड जो है हम काफी हद तक रोक पाए, उसको लिमिट कर पाए। इस दरमियान पुलिस के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेवारी आई कि जो कोविड सेंटर है, जो कोविड हॉस्पिटल है, जो कंटेनमेंट जोन है, उसको सिक्योर करने की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस के ऊपर, लद्दाख पुलिस के ऊपर आई है, और तब से अभी तक वो जिम्मेवारी हम बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हमारे लोग जो कोविड रिलेटेड एरियाज में, चाहे वो कोविड हॉस्पिटल हो, कोविड सेंटर हो, आइसोलेशन वार्ड्स हो या कंटेनमेंट एरिया है, जिस भी जगह पे हमारे लोग डिप्लॉय होते हैं, उनका खास ध्यान हम लोग रखते हैं ताकि वो बारंबार सैनिटाइजेशन यूज करें, मास्क यूज करें, वो उनका स्टेइंग अरेंजमेंट अलग रहे, तो ये सब चीजों का ध्यान जो है हम पिछले मार्च से अभी तक रखते आ रहे हैं। जी सतीश जी, एक अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, प्रश्न पब्लिक से जुड़ा हुआ, क्योंकि पब्लिक से जब भी बात करो तो पब्लिक हमें ये कहती है कि आप जरूर ये पूछना कि जैसे पुलिस पब्लिक फ्रेंडली, ये एक स्लोगन कहा जाता है, तो जब पब्लिक को पुलिस का नाम लिया जाए कि पुलिस स्टेशन में जाना है और ये काम करना है या ये कंप्लेंट करानी है, तो जो शरीफ आदमी है वो डर जाता है। तो आपने पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होने के लिए अभी तक कोई काम शुरू किया है यहाँ? क्योंकि आप HOD हैं लद्दाख एरिया के, तो कुछ ऐसे अभी शुरू किए गए या कोविड के कारण अभी सब थमा हुआ है? नहीं, आपको थोड़ा सा लद्दाख की टोपोग्राफी समझना जरूरी होगा जी, कि लद्दाख एक बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ के पॉपुलेशन जो है वो बहुत स्कैटर्ड तरीके से यहाँ पे रहती है, तो पेनिट्रेशन जो है पुलिस का जो होना चाहिए वो यहाँ पे अभी तक नहीं था जी। जैसे आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 3 पुलिस स्टेशन है और कारगिल में भी उसी तरह से 3 पुलिस स्टेशन है। ओके, तो जो रीच पुलिस का होना चाहिए वो पुलिस का रीच हमारा नहीं है। ओके, तो एक तो सबसे पहले जो है कि हमें कुछ पुलिस पोस्ट जो है उसको अपग्रेड करके पुलिस स्टेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कंप्लेंट वगैरह जो है वो पुलिस स्टेशन में, FIR जो है वो पुलिस स्टेशन में लॉन्च किया जाता जी, बिल्कुल, है, चौकी में नहीं किया जाता है, चौकी में सिर्फ कंप्लेंट दी जाती है, तो हमें कुछ पुलिस स्टेशन बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, उस पुलिस स्टेशन को हेडक्वार्टर के साथ उनका जो कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन लिंक को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो जैसे मैंने कहा कि इन दोनों के ऊपर हमारा काम चल रहा है, एक तो हम नए पुलिस स्टेशन बढ़ाएंगे ताकि पुलिस का रीच बढ़ेगा, दूसरा उनका कम्युनिकेशन लिंक जो है उसको हम अपग्रेड करेंगे। उसके साथ साथ हम अपने डिपार्टमेंट में एक डिजिटाइजेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ताकि बहुत सारी चीजें हम जो है वो ऑनलाइन कर सकें जी। लद्दाख पुलिस में हमारा प्रयास है कि एक नई टूरिस्ट पुलिस विंग हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करें, जो कि जहां जहां पे टूरिस्ट प्लेसेस है वहां वहां पे उनका डिप्लॉयमेंट हो और टूरिस्ट को जो दिक्कतें आती है या सर वो मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से आपने कहा कि हम लोग पुलिस स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, तो आज युग जो है वो मॉडर्न पुलिस स्टेशन का है, तो क्या उनमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स और लाइक ईमेल के जरिए कंप्लेंट्स, क्योंकि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का युग है, तो उस तरीके से किए जाएंगे क्या? बिल्कुल, मतलब मैं वही आपको बता रहा था कि डिजिटाइजेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने शुरुआत की है, जिसमें ये जो ऑनलाइन ऑप्शंस है, ये ऑनलाइन ऑप्शन की सुविधा भी हमें लोगों के पास होगी जी, मतलब वो ऑनलाइन कंप्लेंट भी हमें भेज पाएंगे और उनका हम कॉग्निजेंस ले पाएंगे और उसके ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे जी। जैसे कि आपने बताया कि सर 3 स्टेशन लेह में हैं और 3 स्टेशन कारगिल में हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की?
लकीली लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है वो लद्दाख रीजन में इतना प्रोमिनेंट नहीं है। दिस सोसाइटी इज पीस लविंग एंड लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। कभी कभी आई मीन कुछ लोकल इश्यूज के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर होता है, बट मोर ऑर लेस लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पे आई मीन इतना डिस्टर्ब नहीं रहता है जी। तो हमारा अब पुलिसिंग करने का तरीका जो है वो आई मीन हम सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग का मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि हमारा पब्लिक के साथ हमेशा कांटेक्ट रहे, हमारे बीट्स ऑफिसर जो है वो पब्लिक से हमेशा मिलते रहे, फैमिलियर रहे। हमारे जो थानेदार जो है वो अपने एरिया से अपने एरिया के लोगों के बारे में फैमिलियर रहे, जिनके कारण हमें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हमें मदद साबित हो। सर, जैसे कि आज की डेट में देखा जा रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि खासकर पाकिस्तान है, लगभग पिछले 25 सालों से हमारे कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करता आ रहा है, मिलिटेंट भेजते आ रहा है, तो अब जब वो थक गया है, उसके इरादों को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नस्ते नाबूद कर दिया है, तो आज उसने ड्रग्स का सहारा लिया है और पूरे मुल्क में ड्रग्स का बोलबाला है। इवन कि आज की डेट में देखा जाए तो बॉलीवुड में भी कितना कीचड़ उठ रहा है कि ड्रग्स के लिए, तो क्या यहाँ लद्दाख में भी कोई ड्रग्स का कुछ है, रैकेट ऐसा कुछ चलता है? ड्रग्स यूज के इंसिडेंट कुछ लद्दाख में आई मीन पुलिस ने डिटेक्ट किए हैं जी, बट यहाँ पे उस तरह का मतलब जिस तरह का मेनलैंड में ड्रग मिनेस है जी. उस तरह का ड्रग मिनेस यहाँ पे अभी तक नोटिस में नहीं आया है। ये ट्रेडिशनली एक ट्रांजिट रूट रहा है कि सदर्न नॉर्दर्न स्टेट से ड्रग्स वाया लद्दाख में आती है जी, और कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे डिटेक्ट हुए हैं और लद्दाख पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है। सर, लगभग कितने केस डिटेक्ट हुए होंगे अभी तक पिछले पांच सालों में? पिछले पांच साल का डाटा अगर हम लेंगे तो हमारे पास तकरीबन 6 केसेस है जो एनडीपीएस एक्ट में रजिस्टर हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल नाम मात्र के नाम होगा। बिल्कुल, तो इसमें ऊपर वाले का शुक्र है कि लद्दाख जो है इन सब चीजों से परे है। बिल्कुल जी। जी सर, इस एक और प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे लद्दाख एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है तो टूरिस्ट यहां पूरे विश्व से आता है, ये कोविड के कारण इस समय नहीं आ पा रहा, लेकिन यहां पूरा खचाखच लद्दाख बड़ा रहता है, तो टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना आए, टूरिस्ट से कोई चीटिंग ना की जाए, उसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख इकोनॉमी का टूरिज्म सेक्टर जो है वो मेन स्टे है जी, और यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऐसे दोनों तरफ के टूरिस्ट आते हैं, और खास तौर पे समर में मतलब जितनी पॉपुलेशन यहाँ पे है उतने या उससे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो लद्दाख पुलिस टूरिज्म सेक्टर के ऊपर खास फोकस देना चाहती है और उसी लिए हमने यहाँ पे एक अलग टूरिज्म पुलिस विंग की स्थापना करने का निर्णय लिया है कि जो लोग टूरिज्म रिलेटेड चीजों में एक्सपर्ट होंगे वो टूरिस्ट को गाइड करेंगे, फैसिलिट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। अगर किसी टूरिस्ट को किसी जगह पे हेल्प की जरूरत है तो हमारे टूरिस्ट पुलिस वहां पे अवेलेबल होंगे और वो हमारे टूरिस्ट की हेल्प करेंगे। इसलिए हम टूरिस्ट पुलिस में सिलेक्टेड मतलब लोग लेना चाहते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ताकि वो टूरिस्ट रिलेटेड सेक्टर के बारे में हो, सॉफ्ट स्किल के बारे में हो, ये सब चीजें जो है हम आने वाले समय में करने वाले हैं। जी सतीश जी, ये तो लद्दाख के लोगों की खुशकिस्मती है कि आप जैसा पुलिस का एचओडी उनको मिला है। तो आखिर में समय की नजाकत को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आप कुछ लोगों को संदेश, लद्दाख के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जिससे पुलिस और पब्लिक फ्रेंडली हो और कि किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए वो आपके पास, जहां उनकी सुनवाई नीचे लेवल पे ना हो रही हो तो वो आपके पास आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा हमेशा ये अप्रोच रहा है कि लद्दाख पुलिस जो है वो सिटीजन सेंट्रिक हो, पीपल फ्रेंडली हो, तो इसीलिए लोगों को जो जो चीजें पुलिस से एक्सपेक्टेड है, जो जो फैसिलिटीज आई मीन या जो जो सर्विसेज पुलिस प्रोवाइड करती है उसको हैसल फ्री करने का हमारी कोशिश रहेगी। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है हम आने वाले समय में यूज करना चाहते हैं, हम वेरियस एप्स डेवलप करना चाहते हैं, जैसे टूरिस्ट पुलिस के लिए हम एक अलग ऐप डेवलप करना चाहते हैं,
लोकल पुलिस के लिए हम अलग ऐप डेवलप करना चाहते हैं कि जिनके जरिए लोग जो है अपनी बातें जो है अपने ग्रीवेंसेस जो है वो पुलिस तक पहुंचा सके। आने वाले समय में ये सब करने का हमारा प्रयास रहेगा। मैं लद्दाख के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका और पुलिस का कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा रहा है और उनके कोऑपरेशन से हमने यहाँ पे अभी तक शांति बना के रखी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी लोगों का कोऑपरेशन जो है लद्दाख पुलिस के साथ रहेगा और लद्दाख पुलिस ये हमेशा ये कोशिश करती रहेगी कि जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस है उसके ऊपर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी रिएक्ट करे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करे। जी जी सतीश जी, सिर्फ एक आखिरी प्रश्न, बड़ा छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये तो हो गया जनता के लिए, लेकिन जो हमारे जवान इस समय मुस्तैद हैं खासकर लद्दाख एरिया में, और हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, सर्दी है, सर्दी में भी चाहे आपने उनको अच्छे गर्म कपड़े दिए, हीटिंग दिया, हर सिस्टम से मुहैया करवाया, लेकिन सर्दी तो सर्दी है, ठीक है, क्या उनके राशन भत्ते के लिए, क्या उनको स्पेशल पैकेज के लिए, क्योंकि अब ये यूटी है और डायरेक्ट एमएचए के अंडर आता है, तो क्या कुछ आगे उनको कुछ फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ऐसा किया जाएगा? मैं अपने जवानों से, अपने लड़कों से ये कहना चाहूंगा कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये कोविड के सिचुएशन में भी लद्दाख पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है और हमारे जवान जो रोड पे ड्यूटी करते हैं, हमारे जवान जो दूर दराज एरिया में ड्यूटी करते हैं, हम उनकी समस्या के बारे में अवगत हैं और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि उनकी जो भी समस्या है उसको हल जल्दी से जल्दी हल किया जाए और उनको जो भी फैसिलिटीज़ देनी है वो फैसिलिटी उनको मुहैया कराई जाए। जैसे मैंने कहा कि विंटर क्लोथिंग की यहाँ पे एक बहुत जरूरत थी, ऑनरेबल एलजी साहब के काइंड इंटरवेंशन से एमएचए ने उसको अप्रूव किया है और इस बार हम अपने जवान को विंटर क्लोथिंग दे पाएंगे। उसी तरह से जो भी ग्रीवेंसेस या जो भी जरूरत हमारे जवान की होगी उसका हम आने वाले समय में उसका निराकरण करेंगे। जी धन्यवाद सतीश जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख और हमने इनसे जाना कि किस तरीके से जो हमारे जवान ऐसी ऐसी जगहों पे मुस्तैद हैं जहां माइनस डिग्री टेम्परेचर होता है और किस तरीके से उनको फैसिलिटेट करेंगे। और अभी आईजी साहब ने हमें बताया कि हम उन जवानों के साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं और एमएचए से भी हम लोग कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, कि यहां उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज दी जाए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है और वो हम उस पर उस राह पे लगे हुए हैं। दर्शकों फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।